बाहर से चौड़ा से। जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अप्रैल से 3 मई कर दिया गया है और उसके साथ ही कहा था कि अगर किसी देश में संख्या बढ़ती पाया जाता है तो उसको अनुसार प्रवर्त खोल दिया जाएगा। इसी को जानते हुए आज हम यहाँ के कुछ अधिकारियों से पूछेंगे कि किस तरीके से जो जनता अगर नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है उसके क्या कार्रवाई की जा रही है। जनता पे 80% से 85% 90% तक जो नियमों का पालन नहीं करता तो उसके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो जनता को गवर्नमेंट द्वारा बताया गया उसका पालन नहीं करता तो हम लोग उसका चालान काटते हैं। और चालान के साथ और धारा जो लागू कराई गई थी वो हम यही वाला करते हैं जो अभी इस समय चल रहा है नोट वाला, उसमें 1000 रुपये का जुर्माना है। इस टाइम धारा कौन सी लगाई जाती है जो नहीं बिल्कुल अपनी आगे बात मानता है, प्रशासन की बातों को नहीं क्लियर करता, तो इस टाइम धारा किस लगाई जाती है? इस समय हम नोट वाले में 48/56 हम काटते हैं। और सर जो जनता गरीब मजदूर है डेली कमाते खाते हैं उनके लिए क्या सरकार द्वारा सुविधा की जा रही है? सरकार उनको खाना बना हुआ समितियाँ हैं, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं उनके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, एनजीओ द्वारा जनता को बना हुआ खाना दिया जा रहा है और उन्हें राशन भी दिया जा रहा है। आप सर तक कितने अलीगढ़ क्षेत्र के कितने जिलों में कर दिया गया होगा? यूपी में तो पहले 15 जिले थे, फिर 21 हो गए।